जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गदर 2 को आज रिलीज हुए, अब 18वां दिन है और तीसरा सोमवार है, और आज के दिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि मूवी का जो कलेक्शन है वो एक बड़ी मात्रा में नीचे की तरफ जाएगा। पहली बात तो ये कि ये तीसरा हफ्ता है, दूसरी बात ये कि ये एक वर्किंग डे है, और तीसरी बात ये कि अब कहीं ना कहीं इस मूवी को अधिकतर लोगों ने देख लिया है। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये गदर 2 का वक्त अब खत्म हो चुका है, नहीं, ऐसा नहीं। गदर 2 को अगर सबसे बड़ी बात मतलब आप ये समझिए कि अगर गदर 2 को हिट होना है ना, तो कहीं ना कहीं गदर 2 को ये वाले हफ्ते में अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर गदर 2 इस वाले हफ्ते में अच्छा परफॉर्म करती है तो ही वो आने वाले दिनों में पठान के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस समय गदर 2 के पास जो है वो ये है कि रक्षाबंधन की छुट्टी पड़ने वाली है। इस बार रक्षाबंधन 30 और 31 दो दिन का पड़ रहा है, छुट्टी हालांकि एक ही दिन की मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कई इलाकों में 30 को छुट्टी होगी, कई इलाकों में 31 को छुट्टी होगी। अब ऐसे में गदर की जो कमाई है वो इन दो दिनों में ऊपर की तरफ बिल्कुल जा सकती है। दूसरा इसको जो फायदा मिलेगा वो ये कि 30-31 को हो रहा है इनका बुधवार और गुरुवार, और इसके बाद इनका 2 और 3 तारीख को फिर से शनिवार रविवार पड़ रहा है, तो उन दो दिनों में भी इसकी कमाई जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ जा सकती है। और यहां पर एक राखी का और एक शनिवार रविवार का, ये तीन दिनों का फायदा, वो आखिरी पॉइंट है गदर के पास में, जबकि गदर 2 एक कमाई के लिहाज से कुछ अच्छा कर सकती है। अब अगर हम लोग यहां पर कमाई के लिहाज से गदर 2 की बात करें तो गदर 2 ने अपने 13वें दिन 10 करोड़ रुपए कमाए थे, उसके बाद इसकी कमाई पहली बार दहाई के आंकड़े के नीचे गई। 14वें दिन इसने 8 करोड़ रुपए कमाए, 8.5 करोड़ कमाए, और वीक 2 में इसका कलेक्शन 134 करोड़ रुपए रहा था। पहले हफ्ते में इसने 284 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं अगर हम बात करें 15वें दिन की, मतलब कि तीसरे शुक्रवार की, तब इस मूवी ने 7 करोड़ रुपए कमाए थे, और 7 करोड़ रुपए जाहिर सी बात है एक छोटा अमाउंट है गदर के लिहाज से, लेकिन फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि 15वां दिन था। लेकिन 16वें दिन इस मूवी ने एक बार फिर से वही तेजी दिखाई है, और अब यह मूवी पहुंच गई है भैया एक बार 14.25 करोड़ के ऊपर। कल का कलेक्शन, मतलब रविवार का कलेक्शन इसका निकल कर आया है 17 करोड़ रुपए, जो कि काफी स्ट्रांग कलेक्शन है। और इन्हीं 16वें 17वें दिन में ही यह मूवी भारत की हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी मूवी बन गई है पठान और बाहुबली के बाद में। तो अभी इसके सामने KGF 2 का रिकॉर्ड था जो उसने तोड़ दिया है, अब इसके सामने बाहुबली और फिर उसके ऊपर पठान बैठी हुई है। अगर हम आज के प्रेडिक्शन की बात करें तो 5 करोड़ रुपए आज का प्रेडिक्शन बताया जा रहा है, और अभी तक का कुल कलेक्शन बताया जा रहा है 461 करोड़ रुपए। मतलब कि अब अगर इस मूवी को मतलब 60-65 करोड़ रुपए मूवी कमा लेती है तो काफी हद तक ये एक ब्लॉकबस्टर, सेमी ब्लॉक, मतलब पता नहीं कौन कौन सी हिटी होंगे कहलाने लगेगी यार ये। तो ऐसा इस मूवी का फिलहाल का जो गणित है वो निकल कर सामने आ रहा है। और गदर 2 ने लेकिन लिटरली एक बात सिद्ध कर दी है कि यदि आप एक मास एंटरटेनमेंट वाली मूवी बना रहे हैं तो भैया आपकी मूवी हिट जरूर करेगी, बशर्ते आप पब्लिक की सही नसों को पकड़ो। और यहां मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स ने पब्लिक की सही नसों को पकड़ने में बिल्कुल सटीक तरीके से सही काम किया है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन आपके ही लिए है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।